अस्सलाम वालेकुम, मैं सैयद अकबर हुसैन, एक्यू फोन न्यूज में आपका वेलकम है। आइए देखते हैं आज की खुसूसी रिपोर्ट। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम, सब खैरियत से? सर आमिर आमिरुल्लाह खान बात कर रहा हूँ हैदराबाद से। जी बोलिए। आमिर जी सर, अल्लाह खैरियत से आप बता रहा? अल्लाह का शुक्र। तब आपको एक व्हाट्सअप करा था मैं आपको। एक मुंबई से गाड़ी निकली थी मैंगलोर के लिए, जिसमें 30 लोग है साहब, लेडीज है, प्रेग्नेंट लेडीज भी है जिसके अंदर। बेचारों को 3 बजे से जो है कोल्हापुर डिस्ट्रिक्ट का एक कंगोल बोल के चेक पोस्ट लगता, वहाँ पे 3 बजे से रोक दिया साहब वो लोग के पास पासेस है, सब चीज है साहब। मैं आपको व्हाट्सअप किया थोड़ा, वो लोग मेरे को कोऑर्डिनेट मेरे को कॉल कर रहे थे फेसबुक पे से, नंबर निकाल के जमात के पेज पे से अपने, आपसे बात करो बोलकर। कहाँ पे अटके ये लोग अभी? ये कागोल चेक पोस्ट है साहब, कोल्हापुर डिस्ट्रिक्ट का कागोल चेक पोस्ट है। कागोल चेक पोस्ट? जी साहब, कोल्हापुर डिस्ट्रिक्ट में आता साहब ये। शोलापुर? कोल्हापुर कोल्हापुर डिस्ट्रिक्ट के पास आता है। जी साहब, एक मिनट, ये आपका दिख नहीं रहा है मेरे को व्हाट्सएप, जरा वापिस एक हाई भेजो व्हाट्सएप पे मेरे को। एक मिनट सर, आप नहीं करेंगे? कितने लोग हैं उस बस में? इसमें टोटल 31 ड्राइवर को मिला के 31 लोग हैं सर। परमिशन है इन लोग की? जी हाँ, आपको परमिशन लेटर भी भेजा, देखिए मैं आपको, जो कलेक्टर ऑफिस से निकला है थाने से। सलाम वालेकुम बोल के मैसेज किया देखिए आपको। कहाँ जा रहे थे ये लोग? ये लोग मैंगलोर जा रहे थे। मैंगलोर? जी सर, मैंगलोर जा रहे थे। ठीक है, मैं वहाँ देखता हूँ, कलेक्टर से टच बेस करके देखता हूँ क्या पोजीशन है, बात करता हूँ। दोपहर में 3 बजे तक रुका के रखे, इसमें प्रेग्नेंट लेडीज भी है। मैं बात करके देखता हूँ वहाँ के कोल्हापुर के कलेक्टर से, अभी तो 9:30 बज गए, क्या पता है कि नहीं है। होगा मैं बात करूंगा, और जैसा भी होगा इंशाल्लाह अपन हेल्प करेंगे उसको। अच्छा, और कोशिश करेंगे वो लोग अपने अपने घर पे सही सलाम दीजिए सर, कोशिश करता हूँ। मैं एक बार कॉन्फ्रेंस लूंगा वहाँ के जो साथ में है बंदा, तो आज तसल्ली के लिए बात कर सकते हैं एक बार। लो कॉन्फ्रेंस लो, एक मिनट ले रहा हूँ सर। हेलो भैया। हेलो भैया, मैं एम पार्टी के मुंबई के एमएलए वारिस पठान जो थे ना, उनको कॉन्फ्रेंस ले रहा हूँ, एमएलए साहब को, उनसे बात करिए, ठीक है? लाइन पर ही है जी वारिस भाई, लाइन पे ही देखिए, बात करिए भाई। हेलो, साहब से बात करिए। हेलो, हाँ सर बोलिए सर। कहाँ पे आप लोग अटके हुए हैं? सर कांगल में अट गए सर। कांगल में? आरटीओ ऑफिस है ना सर, उधर अटके हैं सर। किधर? कंजूर कोल्हापुर के पास? हाँ कोल्हापुर के सर। तो आपके पास परमिशन है? परमिशन है ना आपके पास? हम लोग के महाराष्ट्र का परमिशन था सर, कर्नाटक का परमिशन किया था, वो डीसी ऑफिस में है ना, उड़पी के डीसी ऑफिस में बोला था हम लोग का, उधर से निकलो 12 बजे तक आपको मिल जाएगा। इधर आने के बाद बोलते हैं नहीं आया अभी तक, इसका करके कड़ा चेक किया सर। 3 बजे से हम कोई है क्या वहाँ पे ऑफिसर? कोई है तुम्हारे साथ खड़ा हुआ है कोई ऑफिसर? तो उससे बात करते हैं, उसको रिक्वेस्ट करते हैं सर। कोई भी नहीं है वहाँ पे? कोई भी नहीं सर, क्या ना उधर नहीं रुकने की नहीं देते हम लोग, थोड़े इधर आके है ना, उधर एक पेट्रोल पंप है उधर रुका है सर। अच्छा अच्छा, मैं कोशिश करता हूँ, देखता हूँ वहाँ पे कौन है, किससे बात कर सकता हूँ अगर, तो मैं बात करता हूँ और पूरा कोशिश करते हैं कि आपको गप्ती के घर पहुँचाया जाए सुरक्षित रूप से। खाना वगैरह वो सब आपको मिल रहा है ना वहाँ पे? खाना पीना सब खा रहे हैं ना? मिला है सर, मिला है ना खाना वाला? इधर से होटल वाले ला के दिया सर अभी, दिया है ना खाना? वेरी गुड वेरी गुड। तो आप चिंता नहीं करो, मैं कोशिश करता हूँ वहाँ पे बात करता हूँ कि आपके परमिशन का क्या हुआ, जैसा कुछ होता है आपको आगे भेजा जाएगा। डोंट वरी। ओके ओके थैंक यू। शुक्रिया भाई। अस्सलाम वालेकुम भाई। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम साहब। हेलो, अस्सलाम वालेकुम साहब। जी वालेकुम सलाम। कैसे साहब? क्या क्या हुआ, हो गया ना कल उनका जाने का? नहीं साहब, नहीं हुआ अभी तक, वहीं खड़े वो लोग।
हो गया, अरे मेरी बात हुआ सुबह में बेटा। अच्छा, आपसे फोन किया था, तभी कलेक्टर ऑफिस पे फोन किया था मैंने, उन्होंने पेपर वेरीफाई था भाई, उसको जाने अभी मेरा बात हुआ। लोग थे तो लोग बोले कि भाई आमिर भाई वो हम लोग के वहाँ बॉर्डर पे निकलने नहीं दे रहा है, कुछ ऑफिशियल पेपर मंगा रहा है हम लोग को, हम उसके बाद से वेट कर रहे हैं, क्या करना है। बोले भेज दूंगा पेपर मंगवाया, बोलना पेपर मंगवाया, क्योंकि लोग विदाउट परमिशन चले गए कर्नाटका में, जाए लोग जा रहे उड़ीपी में, वहाँ पे फैल रहा है कोरोना, बोले हम लोग वेरीफाई करके इनका चेकिंग हुआ है कि नहीं, वहाँ से भेज देंगे। मेरे तो मैं एक बार इनको भेजने वाले थे। अच्छा, वो बच्चे को मैं एक बार कॉन्फ्रेंस दे रहा हूँ, आप उसको बोल दीजिए, मैं बात कर लिया, बोल के एक बार बोल दीजिए उसको आप, मैं बात कर रहा हूँ। विनू भाई एमएलए साहब को कॉन्फ्रेंस ले रहा हूँ, एक मिनट लाइन पर रहिए। हेलो, एक कटो यार, एक मिनट रुक जाओ, एमएलए साहब को कॉन्फ्रेंस ले रहा हूँ। हेलो, हाँ बात करो, सब बता बात किए। हेलो हेलो, हाँ बोल दी सर। हाँ क्या हुआ, वो मैं बात किया था, उन्होंने बोला आपके पास कर्नाटका बॉर्डर के अंदर एंट्री होने के लिए ना परमिशन नहीं था आपके पास, तो वो लोग बोले अभी हमारे पास पेपर इन लोगों ने सबमिट किया, अभी हम लोग इंक्वायरी करेंगे, क्योंकि वहाँ पे भी सब ये COVID-19 फैल रहा है, सब प्रॉपर चेकिंग करके बोले हम लोग उनको जाने देंगे। बोला उसमें प्रेग्नेंट लेडी भी एक है, कुछ औरतें हैं, बच्चे हैं, रात के हम लोग करते हैं भाई, आप ज्यादा भी फिक्र नहीं करिए, सबको अपने अपने घर सुरक्षित हो जाएगा, प्रॉपर कागज चेक करने के बाद परमिशन होकर भेज दिया जाएगा, संयम रखिए, आपको जाना मिलेगा। ओके सर, आप ही कहें नहीं, हम लोग बॉर्डर से 3-4 किलोमीटर आगे आया है, क्या ना उधर से महाराष्ट्र पुलिस रुकने के नहीं देता हम लोग का, क्योंकि यहाँ से आपको अलाउ कर देगा जाने के लिए। हाँ, उधर हम लोग को, हम लोग गाड़ी लेके है ना 4-5 किलोमीटर पीछे आ गए, इधर मुंबई जा रहे हैं ना, वो रास्ता तो आ गया 4-5 किलोमीटर। अच्छा, अभी अभी पुलिस लोग क्या बोल रहे हैं ना सर, लीगली पेपर आपको आप पास कर सकते हैं। वो पेपर के लिए वारिस भाई ने आपके कलेक्टर से बात किया, आपके कलेक्टर साहब ने बोला है कि हम इंक्वायरी कर रहे हैं वो लोग का, उनके पास एक प्रेग्नेंट लेडीज की, हम इंक्वायरी कर रहे हैं वो लोग का करके, जो है हम सुरक्षित उनको पहुंचाने के लिए हम खुद कोशिश कर रहे हैं, बोल के वारिस भाई को कलेक्टर पे बताया। वहाँ तो ऑफिस पे बात किया, ऑफिस पे मैंने बात किया, वो लोग ने बोला कि हम लोग पूरा पेपर चेक करके ऐसा किसी को भी रस्ते पे नहीं रहने देंगे। अभी लोग पूछा कहाँ है, मैं बोला वो अभी लोग फिलहाल एक पेट्रोल पंप पे रुके हुए हैं, खाना पीना तो उनको मिल गया है, मगर आप उनको किसी भी की इजाजत दो। बोला ठीक है, हम लोग प्रॉपर चेक करके उनको जाने देंगे, कोई फिक्र मत करो, क्योंकि आपको ऐसा चले जाएंगे तो उनको भी प्रॉब्लम आता है ना, तो हम लोग बोला हम लोग पूरा कोऑपरेट करेंगे, जाने देंगे, आप चिंता नहीं करो, आपको जाने मिलेगा। सर आप एक बात करो सर, आप ऐसा कुछ है ना प्रोसीजर, हम लोग का मोबाइल में भेजो, नहीं तो नहीं वापस नहीं जाते, वापस जाएगा तो ना महाराष्ट्र पुलिस है ना गाड़ी सीज करेगा। हाँ नहीं नहीं नहीं, आप वहाँ पे रुकिए, आपको उन लोग वहाँ पे जाने देंगे, पेपर सब पेपर उन लोग कर्नाटका बॉर्डर पे दिए, वो लोग पूरा चेक करेंगे कि ठीक है ये गाड़ी बॉम्बे का है, तो कितने लोग ऐसा गाड़ी उठा के लेके चले गए जबकि अलाउड नहीं है, तो प्रॉपर परमिशन के बाद आपको जाने देगा। वो लोग बोले हम लोग पूरा किसी को भी ऐसा रस्ते पे नहीं रखेंगे, वारिस भाई सबको जाने मिलेगा, लेकिन प्रॉपर परमिशन के बाद, तो आप थोड़ा सा संयम रखिए, आपको जाने देगा 100% जाने देगा। थैंक यू, थोड़ा वेट करो बोल रहे, सही है ना सर, थोड़ा वेट जाने देगा, थैंक यू। विनू भाई सुनिए, आपको कोई फिक्र की बात नहीं है, आप कितना भी रात हो जाओ आपके साथ हम खड़े हैं, ठीक है। वारिस भाई कंटिन्यू कोऑर्डिनेशन कर रहे हैं आपके लिए, हम कोऑर्डिनेशन कर रहे हैं, अभी देखो सरकार है ना, सब लीगल फॉर्मेलिटीज होगा तभी सबको जाने मिलेगा ना, विदाउट लीगल फॉर्मेलिटीज किसी को भी किधर भी कैसा जाने दे सकते हैं बताओ, तो इसकी वजह से उन लोगों ने बोला हम पूरा फॉर्मेलिटीज कंप्लीट करके सब जाने देंगे, तो आप थोड़ा संयम रखो, आपको जाने मिलेगा, ठीक है। मैं बात कर रहा हूँ ओके सर, शुक्रिया भाई। हेलो सर, हो गया सर, बस निकल रहा है सर अभी। ओके हो गया, चलो माशाल्लाह, मुबारक। ओके माशाल्लाह, थैंक यू सर, आपको बहुत धन्यवाद सर। सर का भी बोलो, हम लोग शायद कल फोन करेगा। मैं सर को एक मिनट, मैं सर को कॉन्फ्रेंस लेता हूँ, अगर सर हुशियार है तो बात कर लो एक बार, ठीक है। ओके, वारिस पठान साहब को ले रहा हूँ, एक मिनट रुक जाओ। हेलो, एक मिनट ले रहा हूँ, कॉन्फ्रेंस ले रहा हूँ। మీ ఎయిర్టెల్ మొబైల్ కు సంబంధించిన ఫిర్యాదులు, రీఛార్జులు, ఇంకా సేవల కోసం మీ ఇంటి నుండే సౌకర్యంగా ఎయిర్టెల్ థ్యాంక్స్ యాప్ లేదా www.airtel.in ను ఉపయోగించండి.
हाँ हेलो भाई, सलाम वालेकुम। हाँ वालेकुम सलाम आमिर भाई। भाई वो काम हो गया वो लोग का, वो आपसे बात करना चाह रहे कॉन्फ्रेंस पे एक में। उसको ले हो रहा है। हेलो भाई, साहब लाइन पे बात करो। हेलो सर, हो गया ना भाई काम तुम्हारा? हो गया सर, बहुत धन्यवाद सर। मैं आपको बोला ना, आप खाली बेकार बोल रहे थे, हम लोग रिटर्न जा रहे रिटर्न जा रहे, नहीं गए तो आज देखो तुम जा रहे तुम्हारे घर में गाँव में। सही है यार सर, मेरे को बहुत धन्यवाद सर, आप ऐसे हम लोग का बहुत हेल्प किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू, मेरे को अपना प्रार्थना में याद करना और सुरक्षित रीति से अपने घर पे जाओ। हमारी जो बहन है जो प्रेग्नेंट है उसको भी आसानी के साथ आराम से लेके जाओ। खाना वाने का सब अरेंज तो है ना सब आपके पास? ओके सर, शिव सर। हाँ आराम से जाओ अपने घर पे जाओ। ओके सर, ओके सर, ओके सर, थैंक यू सर। वारिस भाई, न्यू सिटी डेवलपर्स एंड बिल्डर्स लेकर आए हैं एक और वेंचर, जेपी प्राइम सिटी, जहांगीर पीर दरगाह के दामन में 100 स्क्वायर यार्ड प्लॉट्स सिर्फ 4,49,999 रुपए में, ग्राम पंचायत अप्रूव्ड, क्लियर टाइटल, स्पॉट रजिस्ट्रेशन, आबादी से घिरा वेंचर, तमाम बुनियादी सहूलियतों के साथ, गेटेड कम्युनिटी, सिक्योरिटी, वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, ड्रेनेज, बीटी रोड्स, ट्रांसपोर्ट, पेट्रोल पंप, कई मल्टीनेशनल कंपनीज के बीच, शमशाबाद एयरपोर्ट से कुछ ही दूर कोथूर विलेज पे वाके। बुकिंग के लिए जल्द रब्त अदा करें या चले आए न्यू सिटी डेवलपर्स एंड बिल्डर्स, अपोजिट ओएस प्राइड फंक्शन हॉल, होटल हयात, फर्स्ट फ्लोर, ओरम कड्डा, हैदराबाद।